अरे भाई गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया यार, 50 का पेट्रोल। अरे 50 के पेट्रोल में क्या होता है, 50 का पेट्रोल तो केवल ये सूंघती है सूंघती। पैसे की कोई कमी थोड़ी है भाई, आईफोन चलाता हूँ मैं, आईफोन बहुत पैसा अपने पास। लगता है पड़ गई। एक्सक्यूज मी। जी बोलिए। यार मेरी गाड़ी में ना पेट्रोल खत्म हो गया है, तो आपकी गाड़ी में से थोड़ा सा पेट्रोल दे दोगे? ओए सैंडविच तो तू खिला रही है, लेकिन इसके पैसे भी तेरे को ही देना पड़ेंगे। ओ हेलो, मैं पर्स नहीं लेकर के आई हूँ, पैसे तू देगा? कोई पैसे वैसे नहीं है मेरे पास, पैसे तो तू ही देगी, वरना जाके बर्तन मांज। वाओ यार हैंडसम भी है, इस मुर्गे को पकड़ के चूना लगाती हो तू। यहीं रुक, मैं अभी आई। एक्सक्यूज मी। जी बोलिए। मैं आपको 2 दिन से नोटिस कर रही हूँ, मुझे लगता है मैं आपको लाइक करने लगी हूँ। तुम में ऐसी क्या खास बात है कि मैं तुम्हें हाँ बोलूं? आप एक काम करो, मेरा नंबर ले लो, रात को 12 बजे बाद मुझे कॉल करना। ठीक है दे दो, बाय। चल फटाफट पैसे की जुगाड़ हो गई। मैडम पैसे तो देते जाओ। ए तमीज से बात कर, तेरे मालिक से बात हो गई है मेरी। कौन मालिक? वो लंबे बाल वाला। हाँ? अरे वो तो नौकर है, आज ही नौकरी पे लगा है। कहाँ जा रही है इसके साथ? ओए मूवी जा रही है मेरे साथ। अबे ओ, वो मेरे साथ खाना खाने जाएगी। अबे वो मेरे साथ मूवी जाएगी। मैं खाना खाने जाएगी। मूवी जाएगी। बोल दिया खाना। अरे तू परेशान कर रहा मैडम को। अरे क्या दिक्कत है मैडम, आप बताओ। अरे कुछ नहीं, ये मुझे मूवी दिखाना चाहता है, ये खाना खिलाना चाहता है। पर ये दोनों है कौन? ये बॉयफ्रेंड है मेरा और ये पति है। अंकल एक माजा देना। अरे यार 10 रुपए होते तो चिप्स भी ले लेती। भैया एक चिप्स देना। एक्सक्यूज मी, क्या मैं थोड़े से चिप्स ले लूं? हाँ ले लो ना। एक्सक्यूज मी, मैं थोड़ी सी माजा पी लूं। वो क्या है ना, मेरा झूठा है। ये भी खा ले बुकी। थैंक यू बेबी। आज संडे चीटे कर लेते हैं। पक्का? हाँ। हेलो पिज़्ज़ा हट। हेलो रजनी, आज रात को 12 बजे मेरे रूम पे आ जा। रजनी माता। यार आप समझ में आ रहा है कि मेरी बॉडी क्यों नहीं बन रही? क्यों यार, मैं कितने ही वर्कआउट कर लूं मेरा पसीना नहीं निकल रहा है ना। अरे बेबी पसीना नहीं निकल रहा है, पसीना तो मैं तुम्हारा घर पे भी निकाल दूंगी। चलो। A few moments later. बेबी अब आ रहा है पसीना कि कुछ और काम बताओ? बहुत आ रहा है, पूरा गीला हो गया मैं, बस हो गया मेरे इतने में, हो गया गीला मैं। कितना हुआ भैया? 200 रुपए। लेकिन एक सेकेंड। मत करो यार प्लीज, मम्मी को हमारे बारे में पता चल गया है। कैसे? वो आजकल मैं खाना कम खा रही हूँ ना, तो मम्मी को मेरे पे शक हुआ है, शायद मम्मी ने मेरी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देख लिया है। देखो दिख रहा है ना मेरी आंखों में? नहीं ऐसा लग रहा है कि रात की अभी तक नहीं उतरी है। मजाक मत करो, अब हमें इस प्यार को मिटाना होगा। कैसे? मुझे कोई नया लड़का पटाना होगा। चलो बाय, मिलते हैं अगले जन्म में। अबे साले तूने मेरे को लपड़ कैसे मारा, अब इसका हिसाब तो डॉन भाई करेंगे। चल मेरे साथ। डॉन भाई इसने मेरे को थप्पड़ मारा। क्यों? मुझे इंसाफ चाहिए। इसका इंसाफ तो मैं करूंगा, या तो तू इसको 50 रुपए दे या थप्पड़ खा। अरे डॉन भाई मेरे पास 50 रुपए तो है नहीं, एक काम करो लपड़ ही खा लेता हूँ। पेल दे। अरे डॉन भाई ये 100 रुपए मेरे को रोड पे मिले थे, सोचा खर्च करते हुए चलूं, ये 50 आप रख लेना, 50 इसको दे देना। ये मेरे 50 भी आप ही रख लेना।
अरे एक्सक्यूज मी, वो आपके एक्सक्यूज मी, वो क्या है ना, यहाँ पे मेरे पैसे गिर गए थे, आपने देखे क्या? क्यों इतना लेट कैसे हो गए? वो मैं एक्चुअली यार मेरी गाड़ी, वो सब तो छोड़ो, जो कल मैंने रील पहुँचाई थी वो देखी तुमने? कॉस्मेटिक्स वाली? हाँ हाँ कॉस्मेटिक्स वाली थी ना, हाँ हाँ देखी थी यार। अच्छा वो जो दो दिन पहले रील भेजी थी उसमें तुमको पता है वो कपल कहाँ गए थे? यार वो हाँ यार मसूरी गए थे यार, हाँ देखा था मैंने, मसूरी गए थे मसूरी। अच्छा वो जो 21 मार्च 2018 को भेजी थी वो रील क्या थी बताओ? बेस्ट बर्थडे गिफ्ट फॉर योर गर्लफ्रेंड, याद है यार मेरे को, यही थी ना। ठीक है एक मिनट में आती हूँ। यार तुम पहली ऐसी लड़की हो जो सोशल मीडिया पे भी सेम दिखती हो और सामने भी सेम दिखती हो, वरना पूरी दुनिया फेक है यार, बट यू आर सो ब्यूटीफुल। अरे इतनी देर से मैं ही बोले जा रहा हूँ, तुम भी कुछ बोलो। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। मामू मामू। हाँ आप मेरे से कोई भी सवाल पूछ लो, मैं यूं जवाब दूंगी। कुछ भी हुँ? अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन है? बेकार है भैया, मैं तो टूट गया, मैं तो अब खत्म हो गया यार मैं तो। जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम बेटा। गुरुजी 6 महीने से आपकी जिम आ रहा हूँ, मेरी बॉडी नहीं बन रही है। तू सप्लीमेंट ले रहा है? हाँ ले रहा हूँ ना गुरुजी, भर भर के 4 टाइम ले रहा हूँ। कौन कौन सा सप्लीमेंट ले रहा तू? सत्तू। अगर है दम तो एक ब्रांड में रहना, जैसे मैं तमाम उम्र सत्तू में रहने वाला हूँ, है ना, सत्तू को ही प्रमोट करूंगा। सत्तू? अबे सत्तू खाना थोड़ी ना बॉडी बनेगी, तुझे प्रोटीन खाना पड़ेगा, मल्टीविटामिन खाना पड़ेगा, कैल्शियम खाना पड़ेगा, क्रिएटिन खाना पड़ेगा, उससे बॉडी बनेगी। अरे सर ये सारी चीजें थोड़ी खाऊंगा मैं, ये तो शरीर के लिए हानिकारक होती है। तुझे ऐसा किसने बोला? हमारे राम भक्त गुरु नितेश सोनी सर ने। अरे उसने सब खाया भी है और लगाया भी है। अरे प्लेट नीचे रख, तुम लोग अंधभक्त हो, फालतू लोगों विश्वास करते हो, जब तक सबूत नहीं दिखाओ जब तक मानते नहीं हो। ये देख। देखो भाई झूठ बोल बोल के 2.5 मिलियन फॉलोवर कर लिए, सत्तू खाने को बोलता और खुद सब कुछ लगाता है, सब कुछ खाता है, लोगों को पागल बनाने का इसका काम है। ओ सर ये क्या दिखा दिया आपने, इतने सोनी दोगले, हमारे दिलों के साथ खेला है तूने दोगले। सर मैं अब आपकी बात मान के सारे सप्लीमेंट लेके बॉडी बना के देखता हूँ। ठीक है बेटा कोई बात नहीं, कुछ दिन बाद ना सप्लीमेंट लेके फिर देखते हैं अपन। ठीक है सर, दोगले नितेश सोनी। जय श्री राम बेटा। जय श्री राम सर। अब बॉडी बन रही है? हाँ सर बन रही है। मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है सर। सप्लीमेंट ले रहे हो सारे? हाँ सब कुछ ले रहा हूँ। गाइस अगर आपको ही बॉडी बनाना है तो ये सत्तू बाजू से दूर रहो, जो खुद तो सब कुछ ठोक के बैठे, खुद की बॉडी तो बना ली, हमको बोल रहे सत्तू खाओ। बॉडी बनाना है तो प्रोटीन लो, डाइट करो, खूब मेहनत करो। जय श्री राम।